अगले स्टॉक पर फोकस करते हैं। थोड़ी देर पहले हम टाइटन की बात कर रहे थे, तेजी आज उसमें है। सबसे पहले खबर आपको बता देते हैं, टाइटन की एक एनालिस्ट डे प्रेजेंटेशन हुई थी, उसको लेकर क्या अपडेट आई है, क्या कुछ निकल कर आया है उसमें, ये आपको बता देते हैं। और विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और ज़्यादा डिटेल्स लेकर। विनी बताइए, टाइटन को लेकर क्या डिटेल्स आई हैं आपके पास? टाइटन का एनालिस्ट डे मीट है आज, और वहाँ पे इस जो प्रेजेंटेशन कंपनी ने दी है बीएससी पे, तो मेन हाइलाइट्स जो आ रहे हैं, एक तो कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया हुआ है FY23 के लिए। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं टॉप लाइन ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ अराउंड 40%, इबिटा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 50% की, और वो अपनी स्टोर एक्सपेंशन जो प्लान है, मार्च 2021 में देखें तो 681 स्टोर्स थे, और अभी बात करें तो 1000 स्टोर्स वो ओपन करने की बात कर रहे हैं मार्च 2023 तक। उसके अलावा ज्वेलरी सेगमेंट में जो उनकी प्लान है, काफ़ी बुलिश प्लान है FY27 तक, और वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है इंडस्ट्री में वो मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.5 टाइम्स बढ़ जाएगा जो FY22 में रेवेन्यू थी उससे, और 600 प्लस स्टोर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे नेक्स्ट 3 ईयर्स में भी। इबिटा मार्जिन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी स्टेबल रहेगा 1-2 ईयर्स में, ये ज्वेलरी की बात है। और मेन जो मार्जिन ड्राइवर्स होंगे वो है स्टडेड ज्वेलरी की शेयर, वेडिंग ज्वेलरी की शेयर और ऑपरेटिंग लेवरेज, ये मेन लीवर्स होंगे उनके मार्जिन ड्राइवर्स के लिए। वॉचेस सेगमेंट में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल्स हो जाएगा उनका 10,000 क्रॉस का रेवेन्यू हो जाएगी, और 18% का इबिटा आएगा बाय FY26। ग्रोथ स्ट्रैटेजी वहाँ पे क्या होगी, प्रीमियमाइजेशन, वॉल्यूम फोकस, डिजिटल और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेन उनकी जो करंट चैनल्स है वहाँ पे। और नेक्स्ट 5 ईयर्स की उनकी जो प्लान है वो इन्वेस्ट करेंगे टैलेंट में, डिजिटल में, इंटरनेशनल बिजनेस में, और ओवरऑल इमर्जिंग जो बिजनेसेस है वहाँ पे भी फोकस करेंगे। तो मेनली वो एथनिक वेयर में ग्रोथ एक्सपेक्ट करें और सेल्स एक्सपेक्ट करें अराउंड 1000 करोड़ की सेल्स नेक्स्ट 5 ईयर्स में। वुमेन बैग सेगमेंट जो है नया, काफ़ी नया है उनका, वहाँ पे भी 1000 करोड़ की सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इंटरनेशनल बिजनेस की सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 2500 करोड़ की सेल्स। तो काफ़ी बुलिश है उनकी स्ट्रैटेजी आगे जाते हुए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया विनी ये जानकारी देने के लिए। तो देखिए, काफ़ी एक कह सकते हैं गोल्डन आउटलुक कंपनी ने शेयर किया है, आय में करीब 40% की बढ़त का अनुमान जताया है चालू साल में, और कुछ एक्सपेंशन प्लान्स भी हमसे शेयर किए हैं। और हाल फिलहाल में जिस तरह के हम डिमांड देख रहे हैं इस वक्त देखने को मिल रही है, उससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मार्केट में फिर से एक रिकवरी लौटी है, और उससे टाइटन को यहाँ पर फ़ायदा होने की बात की जा रही है। स्टॉक में देखेंगे तो इस वक्त 4% की मजबूती के साथ स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। वैशाली, टाइटन पर आपका क्या आउटलुक बन रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि हाल फिलहाल में एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक कारोबार कर रहा था, 2100 के भी नीचे फिसल गया था, अब आज जो तेज़ी आई है वापस से एक रिकवरी दिखाई दे रही है, क्या लग रहा है आपको, अगले लेवल्स क्या वॉच कर रही हैं, ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए स्टॉक में? तो देखा जाए तो 2700 से ये स्टॉक करेक्ट हुआ है, अभी 2100 पे चल रहा है, तो मैं लॉन्ग टर्म चार्ट भी देख रही हूँ तो ये एक कंसिस्टेंट अच्छा अप ट्रेंड चालू है, और अभी फिलहाल है सपोर्ट के आसपास। सो सपोर्ट रहता है 2000 के पास, तो ये सपोर्ट बैंड में धीरे धीरे अक्यूमलेट करिए, और अगर इसमें तेजी बरकरार रही तो फिर दोबारा 2800-3000 का टारगेट मिल सकता है, और अगर 2000 लेवल टूटता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बैठता है तो फर्दर करेक्टिव मूव आ सकता है। सो मेरा सजेशन रहेगा 2000 के आसपास लेना शुरू। ओके, ठीक है, तो ये रहा टाइटन में आपको दे दी गई है।